please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। आतंकवाद को हथियार बनाकर पाकिस्तान दशकों से हिंदुस्तान पर वार करता रहा, लेकिन हमारे जवानों के मुंहतोड़ जवाब से घाटी से आतंकवाद की जड़ें उखड़ चुकी हैं। अब इन आतंकियों को तैयार करने वाली आईएसआई ने इन्हें एक नए मिशन पर लगा दिया है। पाकिस्तान के आतंकी और जिहादी संगठनों की बंदूक अब अपने ही देशवासियों का सीना छलनी कर रही है, लेकिन उनके निशाने पर है पाकिस्तान के मजबूर हिंदू। कमाई एक दिन में छीन लेता है, को भीस ले लेता है, को ढाडी ले लेता है, बंदूक रात की गोली मार के ले जाता है। बेचारे ऐसी लड़कियां से उठा के ले गए, लड़के कुंवारी भी उठा के ले गए, शादी वाली भी, किसी से धोखा करके ले गए तो किसी को आंख में देखे ले गए। ये अपने ही मुल्क से दर बदर हुए बदनसीब है। अगर शादी करो तो मंगलसूत्र पहना दिया जाए बीवी को, तो उसका मंगलसूत्र देख के टोक देंगे, हिंदू जा रही है कुछ है, उसे छेड़ेंगे, परेशान करेंगे। कोई गर्ल्स अकेले कहीं भी बाहर नहीं जा सकती, कोई फ्रीडम नहीं है। ये अपने ही देशवासियों के जुल्मों का शिकार है। जान का खतरा होता था, हमें बार बार बोला जाता था कि आप अपना धर्म छोड़ दो और आप मुसलमान बन जाओ। लड़कियाँ पाकिस्तान में वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाती थी, कभी भी नहीं निकलती थी। ये अपनी ही सेना के सताए हुए मजलूम है। ये बिल्डर माफिया आके यहाँ पे हमारे मंदिर को इन्होंने तोड़ा। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, हम भी आखिर पाकिस्तानी हैं, क्या हमें कोई तहफ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा? क्या हमारे मंदिर को यूं मस्पार किया जाएगा? ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हिंदू, इन्हें जान बचाने के लिए अपना मुल्क तक छोड़ना पड़ा। मजबूर होकर अपना मुल्क छोड़ना किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होता है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए अपनी जिंदगी बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के गांव बसने लगे हैं। हालत तो ऐसे खराब ही है, हमारे पीछे से चार डाकू को मार दिया, ग्लास को हाथ लगा दिया, ये काफिरों का हो गया ग्लास, ये पलीत हो गए, अभी इसमें कोई मुस्लिम का लड़का या बच्चा नहीं पानी पिएगा। पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आए हर शरणार्थी की अपनी एक दास्तान है, हर किसी की एक दर्द भरी कहानी है। पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों के बारे में अब तक यही माना जाता था कि वो वहाँ के कट्टरपंथियों के शिकार हैं। वो पाकिस्तान की उस आबादी के निशाने पर हैं जो इंसान को मजहब के चश्मे से देखता है, लेकिन अब एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिससे पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों की असली वजह जानी जा सकती है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले हर अत्याचार के पीछे भले ही जिहादियों और कट्टरपंथियों का नाम आता हो, लेकिन अब ये सच सामने आया है कि पर्दे के पीछे हिंदुओं के कत्लेआम की इबारत कोई और ही लिखता है। ये साजिश होती है दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की, जिसने पाकिस्तान में हिंदू मिटाओ अभियान चला रखा है। हैरानी की बात यह है कि आईएसआई के हिंदू मिटाओ अभियान का पर्दाफाश किसी दूसरे देश की एजेंसी ने नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की मजबूत सियासी दल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक बड़े नेता ने किया है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान सेना एक अभियान के तहत हिंदुओं का खात्मा कर रही है। has also radicalized and it has been supporting those radical jihadist groups which have been unfortunately used against ethnic and religious minorities. नदीम नुसरत पाकिस्तान की MQM पार्टी के बड़े नेता हैं और फ्री कराची अभियान के प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान सेना के ऐसे राज से पर्दा उठाया है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया था।
पाकिस्तान सेना की पोल MQM नेता ने खोली है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को खत्म करने के पीछे पाकिस्तान सेना का हाथ है और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान सेना अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिहादियों का इस्तेमाल कर रही है। वो आतंकी संगठनों की मदद से अल्पसंख्यकों को खत्म करा रही है। पाकिस्तान सेना और ISI की इस करतूत का पर्दाफाश होने के बाद पाकिस्तान से आए हिंदुओं का दर्द आसानी से समझा जा सकता है। कैसे होते हैं इधर, रात को आता है लूटते हैं, मुसलमान लूट जा भाग जाते हैं, ऐसे में गोली मारते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे दिक्कत हो रही है, कोई काम नहीं मिलता है, कितना ही पढ़ा लिखा हो इंसान। पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़कर आए इन हिंदुओं को अब तक पाकिस्तान के कट्टरपंथ का शिकार माना जाता था, लेकिन ताज़ा खुलासे से साफ हो जाता है कि पहले तो इन पर जुल्म होता है और फिर इन पर हुए जुल्मों के बारे में कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इन्हें निशाना बनाने वालों के सर पर ISI और पाकिस्तान सेना का हाथ होता है। पाकिस्तान केवल एक सुन्नी राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, जानना अपने आप को पेश करना चाहता है, और जितने भी सुन्नीस को छोड़कर, चाहे वो शियाज हैं, चाहे वो सिख हैं, ईसाई हैं और किसी और धर्म के, पाकिस्तान उनको ऐसे ऐसे चुन चुन के ख़त्म कर रहा है। पाकिस्तान सेना आतंकियों को आगे करके अपनी हर साजिश को अंजाम देती रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंकियों के इस्तेमाल का सच पहली बार सामने आया है। इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म करने का एक बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन सरकार और सेना ने अपना दामन बचाने के लिए आतंकियों के कंधे पर बंदूक रख दी है। By itself, उनको लगता है कि वो काफ़ी नहीं है उनको ख़त्म करने के लिए। वैसे बहुत बड़े पैमाने पर आतंकियों और जिहादियों के को छोड़ दिया जाए तो पिछले 5 से 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान में हिंदू मिटाओ अभियान के साथ साथ कई और जातियों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके अंजाम तक पहुंचने पर पाकिस्तान सरकार का भी फायदा होगा और आतंकियों का भी। इसलिए हिंदुओं को मिटाने के लिए पाकिस्तान सेना और आतंकियों ने मिलकर अभियान चलाया है। पाकिस्तान की जनसंख्या के आंकड़ों से साफ हो जाता है कि वहां हिंदू मिटाओ अभियान उस वक्त से चल रहा है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, लेकिन इस अभियान में जिहाद और आतंकवाद के शामिल होने के बाद मजहब की बुनियाद पर नफरत की चिंगारी शोलों में बदल चुकी है और अब हालात ये हैं कि हिंदुओं को खत्म करने के साथ ही साथ उनकी निशानियों को भी मिटाने की मुहिम अब शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में पहले चुन चुन कर हिंदुओं का सफाया हुआ, अब शुरू हो चुका है हिंदू धर्म की निशानियों को मिटाने का अभियान। ISI के हिंदू मिटाओ अभियान के तहत पाकिस्तान के हिंदू जनता पर पिछले 70 साल से जुल्म हो रहा है। इसकी हकीकत पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत और उनकी घटती तादाद से समझी जा सकती है। पाकिस्तान से हिंदू मिटाओ अभियान की सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1947 में पाकिस्तान में 15% हिंदू आबादी थी, जो 2000 में 1.6% ही रह गई। पाकिस्तान मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने 25 लड़कियों को अगवा कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसी जुल्म से परेशान होकर हर साल 5000 हिंदू सब कुछ छोड़कर भारत आ जाते हैं। ISI अपने अभियान के तहत पहले हिंदुओं को परेशान करती है, उन पर मजहब बदलने का दबाव बनाया जाता है। अगर इसमें कामयाबी नहीं मिलती तो आतंकियों की मदद से उन्हें या तो खत्म कर दिया जाता है या फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। कोई सरकार ना कोई दरबार ना कोई अदालत, इसमें कुछ भी नहीं, सरकार हमारी सुनती नहीं है, ना पुलिस,
ना दरबार ना सरकार हमारी कोई बात सुनते नहीं है हिंदू लोग की। पाकिस्तान सेना ने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बरसों से अभियान चला रखा है, लेकिन दुनिया की नजरों में उसकी हरकतों के सामने आने के बाद अब हिंदू मिटाओ अभियान की जिम्मेदारी आतंकियों को सौंप दी गई है। पाकिस्तान वहां जिहादियों और आतंकियों को इस्तेमाल कर रहा है, इसी प्रकार बलूचिस्तान जहां से खत्म होता है ग्वादर में बलूच के लोग भी नहीं चाहते, तो चाइना के इशारे के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI और आतंकवादी और जिहादी एकजुट होकर उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। ISI की शह पर आतंकी एक तरफ हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं तो दूसरी ओर मंदिरों और हिंदुओं की आस्था से जुड़ी निशानियों को भी मिटाया जा रहा है। इस सच को भी आंकड़ों की मदद से समझा जा सकता है। पाकिस्तान में 1947 में 428 मंदिर थे, आज 2018 में सिर्फ 26 मंदिर ही बचे हैं। सिर्फ दिसंबर 1992 में पाकिस्तान में 120 मंदिर गिराए गए। हैरानी की बात यह है कि 1400 धार्मिक स्थल अल्पसंख्यकों की पहुंच से दूर हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर नौकरियों तक में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सिविल सर्विस में एक निश्चित दायरे के ऊपर प्रमोशन नहीं पाते हैं। जाहिर है पाकिस्तान अपने ही अल्पसंख्यकों को ऐसा बोझ मानता है जिससे वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाह रहा है। पंजाब प्रोविंस को ही उठाने के लिए बलूचिस्तान के स्केस रिसोर्स, सिंध के कमर्शियल रिसोर्सेज और POK का पानी, बिजली और मिनरल्स पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंसेस को उठाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो तीन बाकी प्रोविंसेस हैं उनको ना तो नौकरियां दी जाती हैं और ना ही उनके साथ कहीं सही बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक तो भेदभाव का शिकार हैं ही, इसके अलावा वहां क्षेत्र या आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हर प्रांत में बगावत की आग जल रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आज उसकी अपनी सेना और ISI है। उसी की वजह से जो पाकिस्तान की इस समय दुर्दशा है उसकी जिम्मेदारी केवल सेना है। यही वजह है जिसके कारण पाकिस्तान अगले 3-4 साल में टूट भी सकता है। पाकिस्तान के इसी भेदभाव की वजह से 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है जिससे पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने के करीब पहुंच गया है।